गुड़हल या जास्मिन या जासू का पौधा के नाम से भी इसको जानते हैं, यह एक सुंदर पौधा है जिनको रक्तल पता है, एनीमिक हैं, जो एनीमिया के शिकार हैं, इस तरह की मेरी बहनें, मेरे भाई और मेरे जो भी बुजुर्ग हैं वो लोग भी गुड़हल के पत्तियों का और फूलों का काढ़ा बना करके सेवन करने से पूरा लाभ पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इस गुड़हल के पत्तियों के सेवन से एक और जो बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि जो आपकी कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी में, देखिए आयुर्वेद की औषधियों की कमजोरी दूर करने के लिए आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, शिलाजीत खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं, न जाने कितने टॉनिकों से मार्केट भरा पड़ा है, परंतु यदि सहज रूप से ये जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ आपके घर में हैं तो इनका सेवन कीजिए, इनसे आप अपनी कमजोरी को दूर कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कमजोरी के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। और इसके अतिरिक्त आपके मूत्र रोगों के लिए, जिनको पेशाब की समस्या है, रुक रुक करके पेशाब होता हो, जलन होती हो, या पेशाब के अंदर किसी भी तरह की कोई दूसरी विकृति हो, उसके लिए भी। और जिनको कमजोरी है, यदि ताजे गुड़हल नहीं मिलते हैं तो इन फूलों को और पत्तियों को सुखा करके पाउडर करके भी आप एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ कर सकते हैं सेवन, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है प्रयोग। और जैसे कि मैंने कहा, जिन लोगों को किसी भी तरह से धातु की समस्या है कि उनके लिए यह रामबाण है, और जिनको कमजोरी है उनके लिए गुड़हल का गुलकंद बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस तरह से आप गुलाब के फूल का गुलकंद बनाते हैं, इनके फूलों को आप इस तरह से कलियों को अलग करें, अलग करके जितने आपके पास फूल हों जितना वजन के हिसाब से आप ले लें, मिश्री को पीस कर पाउडर कर लें और इन दोनों को मिला करके फिर हाथ से रगड़ लें, फिर आप उसको शीशी में भर करके धूप में रख दें, कुछ दिन लगातार धूप में रखिए, ये तैयार हो जाएगा आपका गुड़हल का गुलकंद। सुबह सुबह आप गुड़हल के गुलकंद का सेवन कर सकते हैं, एक चम्मच दो चम्मच रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के रूप में भी ले सकते हैं, जो आपको बहुत ताकत देगा, बहुत शक्ति देगा और आपको रखेगा हृष्ट पुष्ट, आपको आपके प्रमेह प्रादर या जो गर्मी के रोग हैं, धातु रोग हैं, उसको करेगा यह दूर।